वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट करते हैं नंबर्स के लिए। यानी कि नंबर्स हमारे कुछ इस तरीके से आएंगे पैटर्न में, वन देन वन टू देन वन टू थ्री एंड अगेन वन टू थ्री फोर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन इसमें हमारे नंबर्स यहाँ पे होंगे। एंड ऐसे ही सेम हमारे लॉजिक से एक और पैटर्न यहाँ पे बनेगा, जैसे कि वन एंड देन टू एंड टू देन थ्री 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 देन फोर 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 एंड फोर। तो ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही यहाँ पे बनने वाला है। तो इसमें भी हम दो यहाँ पे लूप लेने वाले हैं, एक तो होगा आपका एक्स लूप और दूसरा होगा वाई लूप। तो इन दोनों लूप्स में सिंपली हमें वैल्यू यहाँ पे देखनी है, लॉजिक इसका देखना है, क्योंकि यहाँ पे रो एंड कॉलम के फॉर्म में ही हम क्रिएट करेंगे। तो एक्स लूप जो है ये आपका रो के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू जब वन होगी, इसको तो हम नॉर्मली चलाएंगे, यानी कि वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स। एंड हम चाहते हैं कि जब एक्स की वैल्यू वन हो तो वाई की वैल्यू स्टार्टिंग में तो वन हो, एंड देन आपकी सेकेंड टाइम भी वाई की वैल्यू स्टार्ट तो वन से हो लेकिन टू तक ही जाए, देन स्टार्ट वन से हो देन टू एंड थ्री तक जाए, देन स्टार्ट आपकी वन से हो लेकिन टू थ्री एंड फोर तक जाए। तो सिंपल सा है ये लूप, तो हम सिंपल सा चला लेंगे क्योंकि आपका सिंपल लूप है। इस लूप में देखिए जो सेकंड लूप होगा, इंटरनल लूप जो कि आपका कॉलम के लिए होता है, ये स्टार्ट तो आपका वन से हो रहा है लेकिन हर बार ये एक बढ़ यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम सिंपली चलाएंगे आपका एक्स प्लस वन तक, यानी कि स्टार्ट तो होगा वन से लेकिन ये जाएगा एक्स प्लस वन तक, क्योंकि एक्स की वैल्यू सबसे पहले वन है। तो वन प्लस वन टू, तो ये चलेगा वन से लेकर टू तक, यानी कि केवल वन टाइम। देन एक्स की वैल्यू टू होगी तो ये लूप चलेगा वन से लेकर एक्स प्लस वन, यानी कि टू प्लस वन थ्री, तो ये चलेगा वन एंड टू टाइम्स। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जब थ्री होगी तो थ्री प्लस वन फोर, लेकिन लूप आपका चलेगा वन टू थ्री, ऐसे ही फोर के साथ भी। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसी को अब हम यहाँ पर इसका प्रोग्राम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर एक्स इन रेंज, तो ये लूप तो हमारा सिंपल है, वन से लेकर फाइव तक इसको हम चलाते हैं। एंड फॉर वाई इन रेंज, इसको भी हम चलाते हैं वन से लेकर सिक्स तक, या सिंपली फाइव तक। एंड देन चलिए इसको फाइव तक नहीं चलाना, इसको चलाना है एक्स प्लस वन तक, यानी कि हमको इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करना है। एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं वाई को। तो वाई को ही अगर हम लिखेंगे तो जो वाई की वैल्यू एक्चुअल में हो रही है वो हमें दिखेगी। एंड हम सेम लाइन पे हमको हर एक कॉलम को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम एंड यहाँ पे लिखेंगे। एंड हर एक कॉलम के बाद या हर एक कंप्लीट रो को प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में आने के लिए हमने प्रिंट यहाँ पे लिखा है। तो y की वैल्यू इसमें होने वाली है वन टू थ्री फोर, देन सॉरी वन देन वन टू देन वन टू थ्री देन वन टू थ्री फोर। तो हमने y को प्रिंट किया तो इससे ये पैटर्न हमारा जनरेट होगा। तो देखिए वन टू वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर। तो ये एक्चुअल में आपकी ये y की ही वैल्यू है, इस लूप की ही वैल्यू है। एंड अगर आप यहाँ पर x लिखते हैं तो देखिए पैटर्न तो सेम होगा, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, लेकिन एक्स अगर हम लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले वन है देन टू देन थ्री देन फोर। तो यहाँ पे सबसे पहले वन आएगा, देन टू टाइम्स टू आएगा, थ्री टाइम्स आपका थ्री आएगा, एंड फोर टाइम्स आपका फोर आएगा। तो देखिए सिंपल सा है, इस तरीके से भी आपका प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करना आया होगा नंबर्स के साथ।